तो दोस्तों आज है संडे, बज गए हैं 12 और हम आ गए हैं क्यू एन ए वाले वीडियो के साथ, आपके कुछ सवाल और उनके जवाब। तो दोस्तों क्यू एन ए का जो फर्स्ट वीडियो था वो तो काफ़ी बेहतर चला, उसके बाद आप लोगों ने धीरे धीरे वीडियोस को शेयर करना बंद कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी, ये क्वेश्चंस और आंसर सब तक पहुँचाए, ताकि बहुत सारे लोग इसे कुछ ना कुछ नया सीख पाए। और वीडियो अगर जो लोग नया पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए बता दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों के लिए होते हैं, दृष्टिबाधित लोगों की समस्याओं के समाधान इस वीडियोस में होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि कुछ लोग एक ही वीडियो में तीन चार सवाल पूछते हैं, तो यार तीन चार सवाल तो लेना पॉसिबल नहीं है, तो कोई एक सवाल ही पूछे ताकि एक जवाब आपको अच्छे से मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूं आपका दोस्त जीतूराज। पहला सवाल है यहां पर टेक्निकल हेल्प फॉर ब्लाइंड का, ये पूछते हैं कि वोकलाइजर टीटीएस रजिस्टर, प्लीज़ वोकलाइजर टीटीएस रजिस्टर ऐसा कह रहा है, तो इसको क्या करें सर? आप क्रैक यूज़ कर रहे हो तो आप परचेस कीजिए, आपको ये समस्या नहीं आएगी। अगला सवाल है सावंत कुमार जी, ये पूछते हैं कि फ़िलहाल सबसे अच्छा 5G फ़ोन कौन सा खरीद सकते हैं? सर दो फ़ोन मेरे ध्यान में है, एक तो मोटोला मोटो जी 5G पुराना है लेकिन अच्छा फ़ोन है, दूसरा सैमसंग का A72 लेटेस्ट है, तो उसको भी आप देख सकते हो। और भी बहुत सारे फ़ोन आने वाले, जैसे सैमसंग का F42, ये भी फ़ोन आप वेट करोगे तो आपको ये भी फ़ोन मिल जाएगा। सानिया रफ़ी जी पूछते हैं यहाँ पर कि ओपन कैमरा जो है इनका एंड्रॉयड 10 में नहीं बोलता है फेस डिटेक्शन, तो मैम आप एक बार डेटा क्लियर करिए और उसके बाद आप ओपन कैमरा को फिर से सेटअप कीजिए, बोलेगा। अनिश कदम जी पूछते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन बनाने के लिए कौन सा लॉन्चर यूज़ करें? तो सर एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन का लॉन्चर लगा देने से वो एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन तो नहीं हो जाएगा, बाकी आपकी इनएक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा कोई भी लॉन्चर नहीं है, आपके इस सवाल को देखने के बाद हमने काफ़ी सारे लॉन्चर ढूंढे जो एंड्रॉयड को आईफोन की तरह दिखाए सिर्फ, क्योंकि दिखा ही सकता है, बाकी जो सेटअप तो आपका एंड्रॉयड का ही रहेगा, दिखा ही सकता है। तो ऐसा लॉन्चर हमने ढूंढा लेकिन हमें सच में नहीं मिला, तो आप एंड्रॉयड वाले ही कोई अच्छे से लॉन्चर यूज़ करें, जैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ पिक्सल कस्टम लॉन्चर, सोल लॉन्चर आप इनको यूज़ कर सकते हो, नोवा लॉन्चर को भी आप यूज़ कर सकते हो। दृष्टि जी पूछते हैं कि हम लोग जो है गूगल मीट और जूम को कैसे यूज़ करें? तो मैम इसके लिए जो है हमने वीडियो बना रखे हैं, आप जाइए और हमारे चैनल पर आप वीडियोस वाले ऑप्शंस में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मोहम्मद शमी जी पूछते हैं सबसे अच्छा जो है फ़ोन बताइए एंड्रॉयड वाला 20,000 के अंदर। तो सर इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाले हैं, और अभी फ़िलहाल अगर आपको बताना हो तो Redmi Note 10 Pro आप ले सकते हो, जो हम खुद भी लेने वाले हैं तो आप ले सकते हो। गणेश ठाकुर जी पूछते हैं कि Samsung M51 और Samsung F62 दोनों फ़ोन एक्सेसिबल है या नहीं? तो जी हाँ बिल्कुल, Samsung के फ़ोन तो वैसे हमारे लिए बहुत एक्सेसिबल होते हैं, तो आप अगर ये दोनों फ़ोन परचेस करने के लिए सोच रहे हो तो आप ये दोनों भी फ़ोन परचेस कर सकते हो। प्रथम कुमार जी पूछते हैं वन प्लस वाले फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी कितने परसेंट होती है? तो सर वन प्लस वाले फ़ोन बिल्कुल आप ले सकते हो, वन प्लस वाले फ़ोन फ़िलहाल एक्सेसिबिलिटी के मामले में बहुत सुधार कर रहे हैं, 96-97% जो है एक्सेसिबिलिटी इन फ़ोन में है। थोड़ी सी इनएक्सेसिबिलिटी है लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे फ़ोन है, बेहतरीन फ़ोन है ये वन प्लस के, और काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। हरमीत कौर जी पूछते हैं टाइपिंग करते समय टॉकबैक बहुत ज़्यादा बोलता है तो क्या करें? सर ये समस्या तो सभी लोगों के साथ है, टाइपिंग करते समय टॉकबैक बहुत ज़्यादा बोलता है, हमारे साथ भी बोलता है, तो इसके लिए फ़िलहाल तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आप टॉकबैक को फीडबैक ही दे सकते हो कि क्या करें। और आगे है एवरग्रीन हरियाणवी म्यूज़िक, ये अपने गूगल पे में जो है अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो सर आप अपना मेल आईडी बदल दीजिए, आपका नाम चेंज हो जाएगा। जब तक आप अपना मेल आईडी नहीं बदलोगे गूगल पे में तो आप अपना नाम भी नहीं बदल पाओगे, जो आपने यूट्यूब में नाम दे रखा है
वही नाम आपको अपने गूगल पे में सबको दिखाई देगा। अगर आपको अपना नाम दिखाना है तो आपको मेल आईडी चेंज करना है। गूगल पे का डेटा क्लियर कीजिए और उसके बाद जब आप मेल आईडी सिलेक्ट करते हो तो दूसरा मेल आईडी बनाइए, वो वहाँ पर रखे, उसमें अपना नाम दीजिए, उसके बाद आपका नाम वहाँ पर दिखाई देगा। टेक्निकल मोहित जी पूछते हैं, तो पहले टेक्निकल मोहित जी आपको ये बताए कि आप कम से कम आपने 10 सवाल पूछे हैं और 10 सवाल में से हमने एक ही सवाल लिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ही सवाल पूछे। आपका सवाल है YouTube चैनल पर WhatsApp ग्रुप की लिंक कैसे दे, तो इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू कस्टमाइज YouTube अबाउट पेज, उसको देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वजीहा मुसफ़र जी पूछते हैं कि दूसरों के WhatsApp और कॉल कैसे चेक करें। सर WhatsApp को क्यों हैक करना है आपको, WhatsApp दूसरों की क्यों देखना है, कुछ प्राइवेसी होती है दूसरों की भी, तो क्यों आपको देखना है। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, हाँ अगर दूसरा आपको परमिशन देता है तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर दूसरा परमिशन नहीं देता है, बिना परमिशन के आप नहीं देख पाओगे। माय गेमिंग टॉक चैनल यहाँ पर पूछते हैं कि रेडमी के 8 वाले फ़ोन में, रेडमी 8 वाले फ़ोन में एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलेगा या नहीं। तो नहीं मिलेगा सर रेडमी 8 में एंड्रॉयड 11 का अपडेट। और आपका दूसरा एक और सवाल है कि आप जो लिंक WhatsApp की जनरेट करते हो उसमें मैसेज कैसे आपको मिले, तो सर इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है हमारे चैनल पे हाउ टू सेंड WhatsApp मैसेजेस विदाउट एनी कॉन्टैक्ट नंबर, आप वो टाइटल देख लीजिए, उसमें हमने ये चीज़ बताई हुई है। अगला सवाल है रमेश गुप्ता सर का। सर पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपकी बेस्ट विशेस हमेशा हमारे साथ है, तो ऐसे ही आपकी बेस्ट विशेस हमारे लिए बनाए रखे। और सर आपका सवाल है वोकलाइज़र के बारे में, तो सर वोकलाइज़र की वॉइसेस आपने इंस्टॉल कर रखी है, लेकिन बड़े मैसेजेस पढ़ते समय आपकी जो वॉइसेस है वो बंद हो जाती है, तो सर मैं कंफर्म नहीं हूँ आपके पास वोकलाइज़र परचेस है या नहीं। परचेस वोकलाइज़र में ऐसी समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है, बहुत अच्छे से काम करता है, तो अगर आपने परचेस नहीं किया होगा तो आप परचेस इसे ज़रूर करें। अगर परचेस करके भी ये समस्या आ रही है तो फिर आप रिपोर्ट करें, प्ले स्टोर में जाए वोकलाइज़र को आप इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करें और डेटा क्लियर करके फिर से एक बार वॉइसेस डाउनलोड करिए, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। बेंजो मास्टर जी यहाँ पर पूछते हैं कि व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है या नहीं। ये सवाल हमें काफ़ी बार आया है, काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा, लेकिन हमने फ़िलहाल इनका ही नाम लिया है। तो सर व्हाट्सएप को हैक करना क्यों चाहते हो आप, और व्हाट्सएप क्यों आपको हैक करना है? क्योंकि जैसे हमने ऊपर कहा व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो इसको हैक करना इतना संभव तो नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है, और होता भी तो शायद हम आपको यहाँ पर नहीं बताते। तो इसके लिए तो आपको हम सॉरी कहते हैं, ये चीज़ें जो है बताई जानी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, आप ये सारी चीज़ें करो भी मत, हर किसी की प्राइवेसी होती है। हाँ अगर आपको WhatsApp का डेटा अगर किसी का चाहिए तो आप उनसे परमिशन ले, और उनसे परमिशन लेकर आप वो ले सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ध्रुव सिंगल जी यहाँ पर पूछते हैं कि जूम मीटिंग को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो जूम मीटिंग को आप एक फ़ोन से तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, एक फ़ोन में ही आपका जूम है और एक ही फ़ोन में आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। रानू व्यास जी यहाँ पर पूछते हैं कि प्ले स्टोर में शेयर वाला ऑप्शन उनको नहीं मिलता है, तो सर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पे ये शेयर ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कुछ एप्लीकेशन बेटा वर्जन में होती है, पूरी तरह से सब लोगों के लिए लॉन्च नहीं हुई होती है, उस एप्लीकेशन में जो है शेयर वाला बटन नहीं मिलता है। तो आप शेयर वाला ऑप्शन जो ढूंढ रहे हो वो कौन सा वाला शेयर वाला ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ये अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। रवि कुमार जी यहाँ पर पूछते हैं कि 18 साल से कम वाले लोग जो है नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो सर क्यों यूज़ करना है आपको, पहली चीज़ तो आपने पूछा है 18 साल के लोग नेट बैंकिंग फ़ोनपे और गूगल पे में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो फ़ोनपे और गूगल पे को यूज़ करने के लिए डेबिट कार्ड आपको चाहिए, और डेबिट कार्ड जो है 18 साल के से ज़्यादा वाले लोगों को ही दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। कल्पेश जी यहाँ पर पूछते हैं कि सबसे बेहतर स्मार्ट वॉच कौन सी है। तो सर स्मार्ट वॉच तो वैसे काफ़ी सारी बेहतर है, लेकिन टॉकबैक के साथ पूरी तरह से एक्सेसिबल स्मार्ट वॉच हमने एक सुनी है, देखी तो नहीं है, सुनी है, उसके रिव्यूज़ देखे हैं। एप्पल की स्मार्ट वॉच हमने देखी थी, एक वीडियो में हमने देखा था, जो एक्सेसिबल थी, आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी ऐसी स्मार्ट वॉच हमने नहीं देखी जो टॉकबैक जिसमें हो और टॉकबैक उसमें बोल रहा है, तो ऐसी स्मार्ट वॉच अब तक हमने भी नहीं देखी सर। एक ही एप्पल की थी
जिसके वीडियोज़ हमने देखे हैं, हमने खुद प्रैक्टिकली उस स्मार्ट वॉच को नहीं देखा, तो इसके लिए हम पूरी डीप में उसके बारे में तो आपको बता नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल आपको टॉकबैक के साथ स्मार्ट वॉच टॉकबैक में, मतलब स्मार्ट वॉच में टॉकबैक तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एप्पल की स्मार्ट वॉच ज़रूर आप ले सकते हो। आगे देखते हैं, ब्लाइंड हेल्प ये पूछते हैं कि यूट्यूब चैनल पर कीवर्ड कैसे ऐड करें। तो सर, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। वैसे आप कीवर्ड ऐड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो भी आपका टाइटल है वो टाइटल आप लिख दीजिए, और वो अलग अलग फेज में आपको लिखना है। जैसे आपने लिखा हाउ टू यूज़, हाउ टू प्ले गेम, तो अगली बार आपको लिखना है प्ले गेम। तो ऐसे अलग अलग आपको कीवर्ड्स दे देने हैं, बड़ा आसान है। वैसे उसके लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। आगे देखते हैं, नवील शेख जी यहाँ पर लिखते हैं, सैमसंग J2 के लिए कौन सा स्क्रीन रीडर, सॉरी कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करें। तो आप जो है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर काफ़ी एक्सेसिबल भी है और काफ़ी फास्ट काम भी करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हिमांशु गर्ग जी यहाँ पर पूछते हैं कि ईस्पीक कहाँ से डाउनलोड करें। तो सर, कोई भी चीज़ अगर पहले आपको डाउनलोड करनी है तो या तो गूगल पर सर्च करो या तो आप प्ले स्टोर पर सर्च करो, तो आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं ईस्पीक की, तो ईस्पीक जो है आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। आप प्ले स्टोर में ईस्पीक सर्च करोगे, आपको वहाँ पर वो मिल जाएगा। विकास शर्मा जी पूछते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग नोटिफिकेशन कैसे हम लगा सकते हैं। तो विकास शर्मा सर, देखिए अगर एप्लीकेशन फीचर प्रोवाइड करता है तो कर सकते हो। जैसे टेलीग्राम ये फीचर प्रोवाइड करता है, व्हाट्सएप ये फीचर प्रोवाइड करता है, फेसबुक जो है ये फीचर प्रोवाइड नहीं करता, उसकी एक ही जो है नोटिफिकेशन टोन है वो, तो वो फीचर जो है प्रोवाइड नहीं करता। तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो फीचर प्रोवाइड करते हैं, कुछ एप्लीकेशन फीचर प्रोवाइड नहीं करते। तो जो एप्लीकेशन फीचर प्रोवाइड करते हैं उनकी, उसकी सेटिंग में आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप चेंज कर पाओगे। ऐसे सभी एप्लीकेशन को नहीं कर पाओगे आप। आगे देखते हैं, बल्केश कुमारी जी यहाँ पर पूछते हैं नेट बैंकिंग किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो है बैंक में जाइए, वहाँ पर आप नेट बैंकिंग के लिए पहले एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ पर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसके बाद आप नेट बैंकिंग यूज़ कर पाओगे। किस प्रकार करनी है उसके लिए हम वीडियो आगे लेकर आएंगे। आगे देखते हैं, प्रदीप जी यहाँ पर पूछते हैं कि टेक कंपनी में जो है ब्लाइंड लोग किस प्रकार काम कर सकते हैं। तो प्रदीप जी, सिर्फ टेक कंपनी में नहीं, ब्लाइंड लोग तो यार कुछ भी कर सकते हैं। आज के समय में आप कहाँ हो, ब्लाइंड लोग हर वो चीज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग कर पाते हैं। तो आप ये ना सोचें कि किस प्रकार काम कर सकते हैं टेक कंपनी में। तो जो काम आपको दिया जाएगा उस काम को आपको करने की इच्छा चाहिए, आप सब कुछ कर पाओगे। कोशिश करते रहिए, सब कुछ कर पाओगे। आगे देखते हैं, गायत्री दास बैरागी जी यहाँ पर पूछते हैं कि जीमेल में जब भी वो कॉन्टैक्ट सेव करते हैं और फ़ोन को फॉर्मेट मार देते हैं तो उनके जीमेल के कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाते हैं। सर, आप गूगल कॉन्टैक्ट का यूज़ करिए कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए, उसके बाद जब आप फ़ोन को फॉर्मेट करोगे तो फिर से गूगल कॉन्टैक्ट डाउनलोड करिए, उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट आपको सारे के सारे मिल जाएंगे फ़ोन फॉर्मेट होने के बाद भी। आगे देखते हैं, सुप्रिया अग्रवाल जी यहाँ पर पूछते हैं कि स्टिकर पढ़ने के लिए कौन सा टेक्स्ट टू स्पीच काम आएगा। तो सबसे बेहतर TTS स्टिकर को रीड करने के लिए गूगल टेक्स्ट टू स्पीच जो सबसे बेहतर स्टिकर रीड करता है। हाँ, हालांकि गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में थोड़ी सी लेटेंसी है, देरी से पढ़ता है, लेकिन स्टिकर के मामले में ये काफ़ी अच्छे से पढ़ता है। ब्लाइंड टेक वैभव जी यहाँ पर पूछते हैं कि वीडियो बनाते समय हॉल वाला इफेक्ट कैसे डाले। तो सर, इसमें वीडियो शो की मदद ले सकते हो, काइन मास्टर की मदद ले सकते हो, थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है, पावर डायरेक्टर भी काम आता है, लेकिन ये सारे एप्लीकेशन थोड़े से इनएक्सेसिबल है। तो आप जो है इससे हॉल वाला इफेक्ट वीडियो में डाल सकते हो, ठीक है। और प्रदीप जी यहाँ पर पूछते हैं सैमसंग J7 नेक्स्ट में एंड्रॉयड का अपडेट कब आएगा। तो सर, सैमसंग J7 नेक्स्ट ऑलरेडी 2 अपडेट ले चुका है, अब इसमें कोई भी एंड्रॉयड का अपडेट नहीं आएगा। दिशा जी यहाँ पर पूछते हैं कि फ़ोन को सेफ मोड में कैसे डालें। तो हर फ़ोन को सेफ मोड में डालने का तरीका अलग अलग होता है। आप पावर बटन को होल्ड करें, वहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं पावर ऑफ वाले ऑप्शन पे डबल टैप पर होल्ड करें, वहाँ पर भी आपको सेफ मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, फ़ोन को स्विच ऑफ करें, यानी कि पावर ऑफ करें, ऑन होते समय वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखें, फ़ोन सेफ मोड में, वॉल्यूम डाउन की और पावर की प्रेस करके रखें, आपका फ़ोन सेफ मोड में ऑन होगा। कुछ कुछ फ़ोन बूट मोड में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है, आप अपने फ़ोन को अगर बताते तो हम आपको अच्छे से गाइड कर पाते। वैसे आप पावर बटन को होल्ड करोगे तो वहाँ पर आपको सेफ मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देखते हैं,
ऑल यूजर विकास, सुपर बॉय विकास जी पूछते हैं यहाँ पर, इनका नाम सुपर बॉय विकास है, इन्होंने ऐसे नाम दे रखा है, कि ब्लाइंड लोग वीडियोस को कैसे एडिट कर पाएंगे? सर मैं भी ब्लाइंड हूँ और मैं भी तो वीडियो एडिट करता ही हूँ, तो ये काफ़ी आसान है और इसके लिए हमने वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर Realme 1 जी, इनका नाम स्पष्ट नहीं है लेकिन इनका सवाल स्पष्ट जरूर है, तो हम बताना चाहते हैं कि Realme 1 में ये इन्होंने पूछा, Realme 1 में Android का अपडेट मिलेगा या नहीं? तो सर इसके कोई भी चांसेस नहीं है और ना ही Realme वालों की तरफ से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है आपको Android का अपडेट आगे मिलेगा या नहीं। आगे देखते हैं, रविवार सहा जी यहाँ पर पूछते हैं मोटो E7 को अपडेट कब मिलेगा? तो सर आप थोड़ा वेट करिए, अवश्य मिलेगा, ठीक है। वैसे भी मोटोला को अपडेट थोड़े देरी से ही मिलते हैं, जल्दी नहीं मिलते, स्टॉक एंड्रॉयड होने के बाद भी मोटो के फ़ोन में थोड़ा सा जो है देरी से अपडेट मिलते हैं, और वो भी मिडरेंज फ़ोन को तो काफ़ी देरी से अपडेट मिलते हैं, तो आप वेट करिए, आपको ज़रूर जो है अपडेट मिलेगा। सुशांत बेंद्रे जी यहाँ पर पूछते हैं कि थंबनेल क्या होता है? तो सुशांत बेंद्रे जी देखिए, थंबनेल वो होता है जो आपके वीडियो को देखने वाले लोगों के सामने दर्शाता है, जैसे आपने कोई वीडियो बनाया है और उस वीडियो में आपने क्या दिखाया है वो आपको उस इमेज में लिखना होता है, उस इमेज में बताना होता है कि आप किस प्रकार का वीडियो बनाते हो। तो थंबनेल बनाने के लिए आपको किसी भी टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करना होता है और उस थंबनेल को डिज़ाइन करना होता है ताकि लोग उसको, उस थंबनेल को देखकर आपके वीडियो को क्लिक करें। AV म्यूज़िक यहाँ पर पूछते हैं कि ब्लाइंड व्यक्ति जो है वीडियो निकाल पाएगा या नहीं? तो बिल्कुल, हमने पहले ऊपर ही कहा है कि यार ब्लाइंड व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा, ब्लाइंड व्यक्ति सब कुछ कर पाएगा, बस करने की इच्छा होनी चाहिए, ब्लाइंड व्यक्ति सब कुछ कर पाएगा। शिवम शर्मा जी यहाँ पर पूछते हैं NVDA फ्री है या उसको ख़रीदना होता है? तो सर देखिए, NVDA तो वैसे फ्री है लेकिन कुछ लोग मॉडिफाई करके उसको बेचते भी है, तो आप उसको ख़रीद भी सकते हो और फ्री भी यूज़ कर सकते हो। असद जी यहाँ पर पूछते हैं कि फ़ोन में फिंगरप्रिंट नहीं है तो फ़ोन को हर बार पासवर्ड से खोलना होता है, तो फ़ोन को बिना पासवर्ड के कैसे खोले? यानी ये लॉक भी करना चाहते हैं और फ़ोन को पासवर्ड में भी रखना चाहते हो, फ़ोन को बिना पासवर्ड के यू ओपन भी करना चाहते हैं, तो सर इसके लिए एक ऑप्शन है, आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए, लॉक स्क्रीन में जहाँ पर सिक्योर लॉक सेटिंग का ऑप्शन होगा वहाँ पर आप फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप उसको सेटअप कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप अपना फ़ोन सामने पकड़ोगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक अनलॉक बटन दिखाई देगा, अनलॉक पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ सवाल थे आज के, तो आप लोगों के भी अगर कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने सवाल पूछिए और उन सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में दे दिए जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर ये वीडियो सबके साथ शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।